वेलकम बैक टू शॉर्टिक्स फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक और नई वीडियो। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के स्टेटस थे पेंडिंग या फिर अकाउंट वैलिडेशन नेम नॉट मैच्ड या फिर दोस्तों पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय द एजेंसी या PFM, इस तरीके के मैसेज शो कर रहे हैं जब भी ये नया इंटरफेस आया है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है। दोस्तों पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा दोस्तों, आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखते नहीं हो और फिर आप कमेंट पे कमेंट करते जाते हो। दोस्तों दूसरी चीज़ ये कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। और बहुत सारे स्टूडेंट के अभी भी कन्फ्यूजन है कि सर इसमें कितना प्रोसेस लगेगा, कितना प्रोसेस का टाइमिंग लगेगा, पेमेंट आने में कितना टाइम लगेगा। ऑलरेडी मैं आप सभी को पता है कि मैंने बताया था कि 31 मई तक आपको पेमेंट मिलेगा। एक बार फिर से एक स्टूडेंट ने RTI फाइल किया हुआ है और लेटेस्ट डेट में मतलब कल या परसों की डेट है, इस वीडियो के अंदर RTI भी दिखाऊंगा, फिर से वही डेट 31 मई को ही दिखाया जा रहा है बार बार कि 31 मई से पहले आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देखिए ताकि आपको जो भी स्टूडेंट का यहाँ पे बैंक वैलिडेशन का प्रॉब्लम है या फिर अकाउंट वैलिडेशन नेम नॉट मैच्ड है या फिर पेंडिंग है, डेफिनेटली इसमें क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट और सीरियसली देखिए दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो बाद में भी आप देख सकते हो। दोस्तों ये नहीं कि आप वीडियो थोड़ा सा देखिए और फिर स्किप करके चले जाइए, फिर आप ही का वेस्ट होगा टाइम, फिर आप दोबारा आओगे दोबारा सर्च करोगे। और ये दोस्तों बताने का मतलब यही है दोस्तों कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 3 साल से 4 साल से, अभी 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस साल इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हुए, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है दोस्तों कि मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना टाइम आपको लगेगा और किस तरीके से आपको स्टेटस है तो क्या आपको प्रॉब्लम फेस हो सकता है। दोस्तों मैं अपने कोई ऐसा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अपने एक्सपीरियंस को आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और जो भी इंटरेक्शन आपको दी जाए उसको जरूर फॉलो करिए। एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार चैनल को बिगड़े सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम डिलीवर हो। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करिए। विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग टाइम सीधे चलते अपने स्क्रीन पे, लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली आप दोस्तों देख सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे। और दोस्तों जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था, पेंडिंग वाला एप्लीकेशन इज नॉट वैलिडेट एज पर NSP गाइडलाइंस और भी पेमेंट फाइल रिजेक्टेड वाले कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम थे। बहुत सारे स्टूडेंट के अभी भी कंफ्यूजन थे कि सर हमारा सब कुछ ठीक है फिर भी पेंडिंग शो कर रहा है, कि सर हमने मेल भी कर दिया अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या मुझे कितना टाइम लगेगा। वो सारी चीज़ों का प्रश्न का जो भी आपका क्वेश्चन था वो सभी चीज़ों का आंसर इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास अवेलेबल है। स्क्रीनशॉट के फॉर्मेट पे पहली चीज़ तो आपको क्लियर कर देता हूँ कि पेमेंट कब मिलेगी। यहाँ पे आप देख पा रहोगे स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, ये RTI का रिस्पॉन्स है और देख सकते हो ये जो डेट ऑफ एक्शन है ये 28/4/2023 मतलब 28 अप्रैल 2023 को आप देख सकते हो, बहुत ही लेटेस्ट रिस्पॉन्स आया है। और मैंने एक अब जो RTI आया था वो आई थिंक मतलब 10 अप्रैल को आया था, शायद 9 या 10 अप्रैल को, आई थिंक मुझे याद नहीं है, बट हाँ 9 या 10 अप्रैल को ही आया था। उसमें भी यही सेम आंसर दिया था और इसमें भी 28 अप्रैल वाला जो यहाँ पे RTI है इसमें भी सेम आंसर है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जरूर ना जरूर आपकी जो डेडलाइन है ये ही होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ वेट फॉर फर्दर अपडेटेशन ऑफ पोर्टल टिल 31 मई 2023, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री स्कॉलरशिप इज डिलेड फॉर 2022-23 मतलब 31 मई तक यहाँ पे एक डेट मेंशन हुआ है। इसके बाद से सारी चीज़ यहाँ पे लिखा है कि गाइडलाइंस आप जाके पढ़िए ये वो करके। और ये बेसिकली एजुकेशन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट अप्लाई किए थे और वो जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वाले स्टूडेंट अप्लाई किए थे। दोनों डिपार्टमेंट वाले ने सेम डेट बताया था 31 मई, इसमें भी 31 मई बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बेसिकली 31 मई आपका लास्ट डेडलाइन है, 31 मई तक आपको समझ लीजिए कि पेमेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलेगा। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ जो स्टूडेंट के मेजर प्रॉब्लम आ रहे हैं, यहाँ पे पहले मैं दूसरी दिखाता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं किसी का यहाँ पे अकाउंट वैलिडेट नेम मैच एज पर NSP गाइडलाइंस है, ये तो ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज डेट पेंडिंग है, ध्यान से सुनिएगा पूरी चीज़, फिर आप कहते हो यार मेरे को समझ में नहीं आता वीडियो, फिर कमेंट में आते हो या फिर इंस्टाग्राम पे दुनिया भर के मैसेज करते हो। यहाँ पे पेंडिंग है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मिनिस्ट्री को मेल करना। मिनिस्ट्री का डिटेल्स आपको नहीं पता है कि कैसे निकालना है, एक बार देख लीजिए ध्यान से, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। यहाँ पे आना है, पब्लिक कॉर्नर में आपको आना है, यहाँ पे देख सकते हैं सर्च स्कीम वाइज नोडल ऑफिसर डिटेल्स, इस पर जैसे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ मिनिस्ट्री से कॉन्टैक्ट करना है, ना किसी नोडल ऑफिसर से, ध्यान रहे। मिनिस्ट्री वाले ग्रिड पे क्लिक करके, मिनिस्ट्री पे क्लिक करके और आपका जो भी मिनिस्ट्री है मतलब जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपका स्कीम है, सपोज दैट आप यहां पे है, मिनिस्ट्री कैसे चेक करना है, जैसे कि मान लीजिए ये स्कीम आपका है ये मेरिट कमेंस स्कॉलरशिप, तो इसके ऊपर किसका नेम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के है।
सपोज डेट आपका यहाँ पे कोई स्कीम है, जैसे कि सपोज डेट एनएमएस स्कीम है, एनएमएस के ऊपर कौन सा लिखा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, तो ये मिनिस्ट्री होगी। तो आप समझ गए होंगे मिनिस्ट्री, तो यहाँ से आप मिनिस्ट्री अपना सेलेक्ट कर लेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अगर यहाँ से डिटेल्स नहीं मिलती है तो सेकंड थिंग इज आपको देखिए एक एक चीज बताऊंगा दोस्तों, आप बस बने रहिए। दूसरी चीज यहाँ पे आना है स्कीम वाइज नोडल ऑफिसर डिटेल्स लिस्ट, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साइड में आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, यहाँ पे यूजीसी, यहाँ पे डीओ करके इस तरीके के तमाम प्रकार के यहाँ पे नोडल वो आपको लिंक मिलेगा। तो आपको यूजीसी पे अगर आप क्लिक करते हो ना, तो यूजीसी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे देख रहे होगे, मिस्टर इंद्रजीत सिंह सेक्शन ऑफिसर, इनकम, टोल फ्री नंबर और मेल एड्रेस। आपको इस मेल पे आपको मेल चिपका देना है, पहली बात बता रहा हूँ, वहां से भी चिपकाना है और यहाँ पे भी आपको मेल करना है, सेम प्रॉब्लम विद प्रॉपर स्क्रीनशॉट के साथ कि सर मेरा पेंडिंग में है, अकाउंट वैलिडेशन, नेम नॉट मैच भी वाले भी और पेंडिंग वाले भी, ये काम कर लेंगे। अगर सपोज डेट आप यहाँ से नहीं हो, आप किसी और यहाँ पे और भी चीजें जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हर एक स्टेट का आपको मिलेगा, किस स्टेट के टेलीफोन नंबर मिलेगा, ईमेल एड्रेस मिलेगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, किसी का मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, वो मोबाइल अगर अगर आप सेव करोगे तो व्हाट्सअप नंबर भी किसी किसी यहाँ पे मिनिस्ट्री का शो करता है, तो डिफरेंट टाइप के स्टेट यहाँ पे देख पा रहे हो। आप ढूंढते ही नहीं हो, आप पता नहीं किस तरीके से ढूंढते हो कि आपको मिलता नहीं, देखिए कितनी सारी डिटेल्स है। फिर अगर सपोज डेट ये आपका नहीं है, अगर ये है नीचे वाला मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट पे क्लिक करोगे तो ये आपका सामने आ जाएगा, ये भी आप देख सकते हो ये डिफरेंट टाइप के स्टेट के है। फिर अगला खोजेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो वेलफेयर कमीशन, इनकी भी यहाँ पे देख सकते हो, इनकी एड्रेस भी लिखा है, तो जो स्टूडेंट यहाँ पे फिजिकल एबल हैं ये विजिट करने के लिए एड्रेस, तो एड्रेस विजिट करके डेफिनेटली हैंड टू हैंड सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे पूरा इनका नेम एड्रेस सब कुछ मेल एड्रेस लिखा हुआ है और आप पता नहीं कैसे ढूंढते हो कि आपको नहीं मिलता है। फिर यहां पे देख सकते हो ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट, यहां पे देख सकते हो पर्सन विद डिसेबिलिटीज की कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, इसको आपको दिख नहीं हो रहा होगा, जूम करके भी आप चेकआउट कर सकते हैं, यहां पे लेफ्ट राइट करके आप देख सकते हैं इनकी मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, इतना शानदार मोबाइल नंबर आपको नहीं मिलेगा, इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो या फिर इनके व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हो। तो ये पर्टिकुलर आप उन्हीं को मेल या मैसेज करते हो जो कि एक बहुत हाई लेवल के रैंक के अधिकारी होते हैं, हाई लेवल की मिनिस्ट्री होती है, और वो सभी मिनिस्ट्री की यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि वो एक मजिस्ट्रेट होता है, तो वो बेसिकली उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको उतना टाइम दे पाए, तो इसीलिए आपका फोन नहीं लगता है, मेल नहीं कर रखता है। आपके लिए इंडिविजुअल यहाँ पे मिनिस्ट्री अलॉट है हर स्टेट की सब चीज, तो आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो एक और भी यहाँ पे अपेंडिक्स पड़ा हुआ है, इस पे भी आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि सीआरपीएफ वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एसएसपी वाले, उनके लिए भी यहाँ है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और काम करना है, यहाँ पे देखते हो स्कीम वाइज यहाँ पे ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर, इस पे भी क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारी स्कीम जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मेल एड्रेस भी पड़ा होगा, टेलीफोन नंबर भी पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें, यहाँ पे देख सकते हैं AICT की भी यहाँ पे मेल एड्रेस पड़ा हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्टर है मिस्टर संजू चौधरी करके। इस तरीके से आप सारी चीजों का देख करके एक एक लोग से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये बात हुई तो आपको मिनिस्ट्री को मेल करना है, कौन लोग मेल करेंगे, एप्लीकेशन पेंडिंग वाले और यहाँ पे अकाउंट वैलिडेट एंड नेम नॉट मैच्ड वाले, ये लोग इनको मेल करेंगे विद प्रॉपर स्क्रीनशॉट के तहत कि आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट पेंडिंग है या फिर आपका सब कुछ ठीक है फिर भी नेम नॉट मैच। हाँ, ये है कि मेल का रिस्पांस आपको कुछ दिन बाद आएगा, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि एट द एंड टाइम जब मिनिस्ट्री यहाँ पे दूसरा बार मतलब सेकेंड वेरिफिकेशन, आप पढ़ेंगे इसके गाइडलाइन में तो सारी चीजें लिखा हुआ है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे क्लिक करके, तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि दोहरा वेरिफिकेशन भी होता है, टू टाइम वेरिफिकेशन, वो आपको नहीं पता चलता, वो इंटरनली होता है। तो जब वो चेक करेंगे तो वहाँ पे जब बैंक वैलिडेशन चेक करेंगे तो वो आपको इस मतलब आपके प्रोफाइल सेक्शन में एक बैंक वैलिडेशन का ऑप्शन दे देंगे, अपडेट योर बैंक अकाउंट, और वो देने से पहले आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर एक मैसेज आएगा कि आप इस डेट तक अपने अकाउंट को वैलिडेट कर लीजिए। तो फिर आपको अब कौन सा अकाउंट डालना है, पुराना वाला डालना है कि नया वाला, ये कन्फ्यूजन है। उससे पहले आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड को डीबीटी मोड लिंक, सॉरी अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से डीबीटी लिंक करा लेना है। अब कैसे लिंक कराना है, डीबीटी क्या होती है, एपीबीएस क्या होता है, उसके लिए एक थोड़ा सा आप टाइम दीजिए मेरे को, मैं बताता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेंट कॉर्नर में आना है, सब कुछ बताता हूँ एक ही वीडियो में। स्कीम इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है, स्कीम इन्फॉर्मेशन में जैसे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो ट्रैक योर पेमेंट यहाँ पे नहीं, इसके नीचे आना चेक योर चेक बैंक अकाउंट लिंक टू योर आधार नंबर, इस पे जैसे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे चेक बैंक अकाउंट लिंक टू योर आधार नंबर, आपको आधार नंबर डालना है, ओटीपी जाएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, ओटीपी तभी जाएगी जब आपका मतलब आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, अदरवाइज आपको 100 रुपये लगेंगे किसी भी साइबर कैफे पे, वो आप करा सकते हैं। तो ओटीपी जाएगी, ओटीपी सबमिट करोगे, कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा और जो बैंक एक्टिव दिखाएगा वही बैंक आपने एनएसपी पे प्रोवाइड किया, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जाके फिर से उसको चेंज भी करा सकते हो, बैंक में जाके कंसेंट फॉर्म
कंसेंट फॉर्म भर के तब जाके मैनेजर से ये सारी चीज़ें आप हो सकती है। तो ये कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मुझे नहीं लगता कि यार आप इसमें एक भी इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट के डाउट रहेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पेज आपके लिए फ्री है और नीचे स्क्रीन शॉट आप इस तो नहीं शेयर कर सकते, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दबा के कर सकते हैं। बाकी मैंने पूरी प्रोसेस बता दी मिनिस्ट्री से कैसे कॉन्टैक्ट करना है और कैसे अपने पेंडिंग वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपके कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे। धन्यवाद।